लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 18 जुलाई की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार और सर्वप्रथम राष्ट्रीय समाचार। भारत ने छुआ 200 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक का आंकड़ा, 18 महीने में पाई बड़ी उपलब्धि। कोरोना वायरस अपडेट, भारत में आज भी कोविड के 20,000 से ज्यादा नए मामले, पिछले 24 से 48 घंटे में 49 लोगों की मौत। उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्बा होंगी विपक्षी दलों की उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में UAPA समेत अन्य गंभीर धाराओं में जेल में बंद 121 आदिवासियों को दंतेवाड़ा की IA की अदालत ने रिहा करने का फैसला सुनाया है। पैक्ड आटा, पनीर और दही अब टैक्स फ्री नहीं, सोमवार से देना होगा 5% GST। इंडिगो विमान में तकनीकी खराबी के बाद कराची में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। श्रीलंका क्राइसिस, श्रीलंका संकट में हस्तक्षेप के आग्रह के बीच केंद्र ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। और अब कुछ विदेश समाचार। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने चीन को पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बताया है। कभी एशिया के खुशहाल समृद्ध देशों में शामिल श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद पहली बार इतने बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को मित्र देशों से मिलेंगे $4 अरब। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक ने नीतियों में ईमानदारियों पर दिया जोर। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के लिए 20 जुलाई को वोटिंग, विपक्षी उम्मीदवार प्रेमदासा बोले सच्चाई की ही जीत होगी। और अब कुछ खेल समाचार। नागपुर की मुक्केबाज अल्फिया पठान ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में खेले गए सीनियर कैटेगरी के अपने डेब्यू टूर्नामेंट में 81 किलोग्राम फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन लज्जत कुनगेबायबा को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, बाबर आजम ने रविवार को खेल के तीनों फॉर्मेटों में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए और वह सबसे तेज गति से इसे अंजाम देने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली जल्द ही एशिया T20 कप की तैयारी में जुटेंगे। और अब समाचार बिजनेस संबंधित। HDFC बैंक का शुद्ध लाभ 21% बढ़कर 9,579 करोड़ रुपये तक पहुँचा। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची विमान ईंधन की कीमतों में 2.2% की कटौती। आम आदमी को बड़ी राहत, कंपनियों ने घटाए खाने के तेलों के दाम। और समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।